ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये आखिरी टर्म है इसमें, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल वर्ड आपने शायद पहले भी सुना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, टेंथ में ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही पोटेंशियल है, बस वो इलेक्ट्रिसिटी में है, ये ग्रेविटेशनल के अंदर है, सेम ही चीज़ है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी का मतलब है कि सपोज करो एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है और स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट मास है स्मॉल एम। इन दोनों मासेस की एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर एनर्जी है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, देखो पोटेंशियल सिस्टम का नहीं होता, एनर्जी सिस्टम की होती है। सिस्टम का मतलब है जिसमें दोनों मासेस इन्वॉल्व हैं। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, जैसे जो इंटेंसिटी है किसी पॉइंट की होती है, पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू V अगर मुझे निकालनी है तो जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है उसको इस मास से, छोटे मास से डिवाइड कर दें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हमने की फोर्स, फोर्स को मास से डिवाइड किया तो E, फिर हमने किया U, U को मास से डिवाइड किया तो बना V, सेम चीज चल रही है। F को मास से डिवाइड किया तो E, U को मास से डिवाइड किया तो V। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाई आर बाई एम है, एम से एम कैंसिल, ये फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का। तो एक शॉर्टकट बना लेते हैं, सेम सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पर पहले मास लो, फिर मास से डिवाइड करके मास को कट करो, फिर कहो जी मास तो डिपेंड, इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में मास रोल ही नहीं प्ले कर रहा, प्लैनेट रोल प्ले कर रहा है, तो ले क्यों रहे हो? तो एक शॉर्टकट बना लो, जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, वहाँ पे मास एक्सपेक्ट ही ना करो, दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिन कर लो यहाँ पर यूनिट मास है, बात ही खत्म, चाहिए नहीं इसका मास, कैंसिल ही तो होने, तो मास वन है। तो बोलो इसमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा एम और वन में? माइनस जी एम इंटू वन बाई आर, वही बात है सेम है। तो आपको ये मास चाहिए नहीं। कई लोग ऐसे भी याद करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले, स्मॉल एम को जीरो वन पुट कर देते हैं आंसर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब इसमें से यूनिट्स क्या हैं? एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी जूल, और पर यूनिट मास का मतलब केजी, जूल पर केजी। तो एक चीज नोट करो, अब हमने कुल मिला के चार चीजें कर ली हैं। पहला हमने क्या किया था? फोर्स। फिर हमने क्या की? इंटेंसिटी। फिर हमने क्या किया? एनर्जी। और लास्ट में पोटेंशियल। चार चीजें इकट्ठी ही चलती हैं। प्लस टू के अंदर डेढ़ महीना लगेगा इन चार चीजों को करने के लिए, प्लस वन में दो लेक्चर लगेंगे चार चीजों को करने के लिए। तो सोचो प्लस टू की डिटेल्ड होगी, एक 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 चीज लगा लगा के देखेंगे। उसका रीजन है क्योंकि क्योंकि प्लस टू में नॉर्मली पहले पोटेंशियल सिखाते हैं, इलेक्ट्रिक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और निकलते कैसे हैं बैटरी के अंदर, फिर चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सुना होगा आपने टेंथ में, तो बिजली की तार जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ओम लॉ हो जाता है। तो ये प्लस टू का ट्रैक है, तो वो इसलिए डिटेल में करना पड़ता है क्योंकि हम बैटरी को स्टडी करना चाहते हैं, हम बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को स्टडी करना चाहते हैं, कैपेसिटर को स्टडी करना चाहते हैं। मैं अर्थ में ना तो जुपिटर पे जा सकता हूँ, ना मैं मार्स पे जा सकता हूँ प्लस टू के अंदर, तो मेरे को अर्थ का पता है, अर्थ का पोटेंशियल से बनाऊंगा क्या? कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये एक लेवल तक ही काम करेगा, प्लस टू और डिटेल में काम करेगी। तो समझ में आ रहा है कि मतलब कि डिटेल बहुत है पर हमारे यहाँ बस एक लेवल तक ही काम चल रहा है इसमें। तो इसके अंदर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी और पोटेंशियल दोनों स्केलर्स हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में दोनों मासेस के ऊपर फोर्स डिपेंड करती है। फिर ई का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर, इसमें यहां का मास डिपेंड नहीं करता, सिर्फ प्लैनेट का मास डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी दोनों मास पे डिपेंड करती है, नेगेटिव है, दोनों मास पे डिपेंड करती है, लेकिन पोटेंशियल सिर्फ प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, ये वाले मास पे डिपेंड नहीं करता।
इसके यूनिट क्या है न्यूटन, इसके यूनिट्स क्या है न्यूटन पर केजी, इसके यूनिट क्या है जूल, और इसके जूल पर केजी। तो जो काम यहाँ पर वेक्टर से सॉल्व किया जा रहा है वो काम यहाँ पर स्केलर से किया जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिक्स दो चीज़ों के कॉन्सेप्ट से बनती है, फोर्स एंड एनर्जी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आधा पार्ट फोर्स से चल रहा है और आधा पार्ट एनर्जी से चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो फोर्स और एनर्जी में दोनों चीज़ों को डिवाइड, नाम अलग अलग दे रखे हैं पर कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है यहाँ तक। अब यूज़ कैसे करना है इसको एक बार देखते हैं।